हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पी और फूड्स एंड फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। आज हम कुछ खाने की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द की। तो घुटनों का दर्द एक बहुत ही आम समस्या है जो कि अब बहुत ही छोटी उम्र में देखी जाने लगी है। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानती हूँ जो कि मेरे आसपास रहते हैं जो कि घुटनों के दर्द से बहुत परेशान हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसी रेमेडीज़ अपनाई और मुझे भी बताई जिससे उनको कि बहुत आराम हुआ। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी घरेलू नुस्खे बताऊंगी जिसको कि आप अपनाएंगे तो आपके घुटनों में दर्द में बहुत आराम होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि घुटनों में दर्द के जो मेन रीजंस हैं वो क्या हैं। तो अक्सर देखा गया है कि जब हम मोटे हो जाते हैं या जब थोड़े ज़्यादा मोटे लोग होते हैं उनमें घुटनों में दर्द की समस्या ज़्यादा देखी जाती है। वो इसलिए होता है कि जब हमारा मोटापा बढ़ता है तो हमारे घुटनों पे वज़न बहुत ज़्यादा पड़ जाता है जिसकी वजह से घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। ऐसा भी देखने में आया है कि जिसको गठिया की बीमारी होती है उसके जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में भी काफ़ी दर्द रहता है। और काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि जब हमें घुटनों में किसी तरह से चोट लग जाती है, हम गिर जाते हैं या फिर हमारा घुटना किसी चीज़ से टकरा जाता है तब भी ये दर्द काफ़ी बढ़ जाता है। और अक्सर डॉक्टर्स ऐसा भी बोलते हैं कि घुटनों में दर्द का एक बहुत बड़ा कारण है लुब्रिकेशन का ख़त्म होना। तो लुब्रिकेशन का मतलब जो कि हमारे जॉइंट्स में जो ग्रीस होती है जो कि हमारी हड्डियों के बीच में रहती है और वो जो है वो कम हो जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती है, उसकी वजह से भी हमारे घुटनों में काफ़ी दर्द रहने लगता है। तो आज हम बात करेंगे कि हम कैसे उपाय करें या फिर ऐसे क्या घरेलू नुस्खे अपनाएं जिससे कि हमारे घुटनों में दर्द ना हो और अगर हो गया है तो उसको आराम कैसे मिले। तो इसके लिए सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो वेट है, जो वज़न है, उस पर कंट्रोल रखें, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा लें, अच्छे फ्रूट्स खाएं, नट्स खाएं, पूरे दिन हर दो घंटे में कुछ पौष्टिक चीज़ें खाएं। दूसरा ये है कि पैदल चलना बहुत ही ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए। तो हम जितना पैदल चलते हैं उतना ही हमारे जो पैर हैं, जो जॉइंट्स हैं, वो खुलते हैं। तो अगर आप नहीं चल पाते हैं तो आप धीरे धीरे बिल्कुल स्लो वॉकिंग से शुरू करें, 20 मिनट वॉक करें, 10 मिनट वॉक करें, जितना आपसे हो सकता है उतना वॉक करें और उसके बाद धीरे धीरे करके आप अपनी वॉकिंग स्पीड और टाइम दोनों ही बढ़ा दें। और अब मैं आपको बताऊंगी कुछ घरेलू नुस्खे जिससे कि आपको काफ़ी आराम होगा। तो इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे हल्दी वाला दूध। तो ये दूध बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा करता है, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, जैसा आपकी आपको पता है कि हल्दी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, तो ये हमारे दर्द को भी कम करती है, प्लस इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप इस दूध को बच्चों को भी दें, बूढ़ों को भी दें और ख़ुद भी पिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हल्दी वाला दूध बनाने के लिए हम 1.5 कप दूध डालेंगे एक पैन में। इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट या अदरक का पाउडर, आपके पास ये नहीं है तो आप अदरक को चलकर भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा काली मिर्ची। इन सभी को मिला लेंगे और दूध को 1 कप होने तक बॉईल करेंगे। ये देखिए हमारा दूध अब अच्छे से उबल चुका है और ये ऑलमोस्ट 1 कप हो गया है। हम आँच को बंद कर देंगे और उसको छान लेंगे। तो ये देखिए गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसमें शहद मिला लें या शुगर, या फिर आप इसको ऐसे ही पी सकते हैं। और अब हम बनाएंगे एक मेथी की सीड्स की चाय। तो मेथी में भी बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और इसकी चाय जो है आप रोज़ बना के पिए, खाने के बाद, डिनर के बाद और लंच के बाद 1/2 कप पिए, 1 कप पिए, इससे धीरे धीरे करके आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। चाय बनाने के लिए ये मैं एक पैन लूँगी और अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप पानी। तो 1 कप चाय बनाने के लिए आप 1.5 कप पानी डालेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे ये 1 टेबलस्पून भर के मेथी के दाने। और अब हम इस चाय को तब तक उबालेंगे जब तक ये 1 कप पानी ना रह जाए। हम इसको मिला देंगे और अब हमें इसको 1 कप पानी होने तक बॉईल करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो पानी है वो रिड्यूस होकर 1 कप रह गया है। आइए मैं इसको छानती हूँ और जो बाकी का सामान है अब इसमें वो मिलाएँगे। और इसमें हम डाल देंगे अब 1 टीस्पून नींबू का रस। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। इसमें हम मिला देंगे 1 टीस्पून हनी, आप चाहे तो शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो बची हुई मेथी है आप उसको फेंके नहीं, आप उसमें हल्का सा पानी डाल के फ्रिज में रख दें और दोबारा उससे चाय बना लें। और उसके बाद आप उसको ऐसे ही खा सकते हैं या फिर आप तड़का लगाने में भी यूज़ कर सकते हैं।
तीसरा उपाय जो हम बात करेंगे वो है घुटनों के बीच में तकिया लगा के सोने का। जब हम करवट लेके सोते हैं और हमारे घुटने एक दूसरे के ऊपर आते हैं तो घुटनों पे बहुत जोर पड़ता है। अगर आप इनके बीच में तकिया लगा के सोएंगे तो घुटनों पे बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ेगा, उनका अलाइनमेंट ठीक रहेगा और आपके घुटनों में के दर्द में बहुत आराम रहेगा। अगर आप सीधे लेटते हैं तो आप घुटनों के नीचे इस तरह से तकिया लगा सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी आराम आएगा। तो आप ये कुछ रेमेडीज़ करके देखिए घर पे, ये सब घरेलू उपाय हैं, ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे, आपको फ़ायदा ही करेंगे और आई होप इनको करने से आपके घुटनों में दर्द को बहुत ही आराम मिले। तो आप इसको ट्राई करें और हमें बताएं। अगर आपको भी कोई इस तरह का घरेलू उपाय पता है तो आप ज़रूर कमेंट में हमें बताएं। तो अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।